today, new vlog. I am in Arakku. I have come from Vizag to Arakku via train. वो जो journey था Arakku तक वो कैसा था? I tell you in one word, बहुत ही मज़ेदार था. आप लोग पहले वो झलक देख लो, फिर मैं बाकी details आपको बताती हूँ. In the early morning around 6:45 am, my train started from Visakhapatnam towards Arakku. Ye hai train number 08551 VSKP KRDL PGRSB jo chhutti hai Andhra Pradesh ke Visakhapatnam se aur beech mein cross karti hai Orissa aur pahunchti hai Chhattisgarh ke Kirandul pe. Crossing three states together. To chaliye mere saath itna sundar scenic train route journey ka maza lete hain. Heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. बचपन का दिन सब एक साथ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ सब आप स्लीपर पे ट्रैवल करो फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अरकू. आई सजेस्ट यू दैट यू शुड ट्रैवल यू नो इन अ स्लीपर टू एंजॉय दिस सीरियसली. देखो विस्टाडोम का एक अलग ही फील है, दैट इज़ डिफरेंट. वो मैं ट्रैवल करूँगी आने के टाइम, लेकिन जाने के टाइम जो मज़ा मिल रहा है ना मुझे, आई एम 100% श्योर वो विस्टाडोम में नहीं मिलेगा, क्योंकि आई डोंट नो ये बहुत ही टनल मिलेगा, तो उसका कोई कमी नहीं है. अब कभी भी आओ, एक दो टनल मिस करो कोई बात नहीं, टनल के बाद ही टनल. और देखो सब कोई कितना एक्साइटेड है, एक्साइटेड होकर सब चिल्ला रहा है उस साइड पे. एक अलग ही फीलिंग है यार. I am sure this is one of the most scenic train route which you must take in your lifetime. Aur barish ke time to aur bhi sundar lagega. Ye greeneries, the hills, the valleys. Wow, this is so good and so amazing to look at. Aur phir aata hai ye nazara. Oh my god, this is amazing. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. Or
और इस रूट पे ऐसे ही चलते चलते आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो है बहुत क्यूट, बहुत सीनिक, लेकिन ट्रेन से बहुत नीचे है इनका हाइट। वाइसेक से जब आप ट्रेन पे चढ़ रहे हो तभी कुछ खाने का सामान, स्नैक्स, वाटर बॉटल आपके साथ रख लीजिए। इस रूट पे काफी मुमकिन है कि आपको नहीं मिलेगा। इस ट्रेन पे जाने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट दोनों ही मिलेंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू रिजर्व योर टिकट ऑन प्रायर। यहाँ का स्टेशन भी कितना सुंदर है ना, प्लेटफॉर्म्स सबको पोज देने में बिजी है। इस साइड बोलो, उस साइड बोलो, अरे यार इतना भी अच्छा नहीं है। लवली लवली व्यू। और कवर कर रहे हैं वाइजैग टू अरकू वैली, तो उससे आगे भी ये ट्रेन जाएगी लेकिन मुझे जाना है सिर्फ अरकू तक। और ये नज़ारा के साथ, ये एम्बियंस और ये एनवायरनमेंट, आई टेल यू गाइस दिस इज़ माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, दिस इज़ सो गुड। और रेनी सीजन के टाइम तो ये एक अलग ही लेवल का होगा। जस्ट बी केयरफुल और ज़्यादा झुको को मत, ज़्यादा फ़ोटो वीडियो के चक्कर में गिर मत जाना। बी सेफ एंड एंजॉय द ट्रेन जर्नी। And with this, we reach the platform Bora Guhalu. Those who want to explore Bora Caves and other sightseeing of Araku, it is much recommended to get down over here. As I have already been here last year and I only wanted to experience the train journey, so I am skipping this out for this time. रास्ते रास्ते का काम चल रहा है ताकि और भी आप लोग अच्छे से आ पाओ बाय बाइक और बाय कार। ये नेट जैसे ऐसे लगाया गया है ना ताकि ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना गिरे, इसीलिए जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन। After covering a distance of 131 kilometers and a duration of 4.5 hours, we reached from Visakhapatnam to Araku Valley. Though the climate was pretty hot, but I'm quite sure after some time it's going to be very pleasant, kyunki Araku jagah hai aisa.
इन एंड अराउंड अराकू वैली मैं लास्ट ईयर काफ़ी सारे साइट सीन्स करके गई थी, जैसे बोरा केव्स, कॉफ़ी म्यूजियम, कॉफ़ी प्लांटेशन, ट्राइबल म्यूजियम, गालीकोंडा व्यू पॉइंट. एंड दिस टाइम आई एम हियर ओनली टू एक्सपीरियंस द ट्रेन जर्नी, सो आई थॉट टू विजिट द कॉफ़ी म्यूजियम विच इज़ वेरी मच नियर टू द रेलवे प्लेटफॉर्म. आई पेड 50 रुपीज एंड रीच्ड बाई ऑटो. I am here to taste the aromatic Araku coffee and also to buy some souvenirs from this art craft shop. और जब आपका कॉफी म्यूजियम घूमना कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाजू में ही है ट्राइबल म्यूजियम, आप वहाँ पे आ जाओ. और शाम के टाइम पे डिमसा डांस होता है, आप वो देख सकते हो. नहीं तो फिलहाल कुछ एक्टिविटीज़ है लाइक सम इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, यू कैन डू दैट. और फिर हैंडक्राफ्ट स्पाइसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स विच यू कैन बाई एंड सपोर्ट दैट. तो मैं तो जैसे कहा कि लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी तब रेनी सीजन था, बारिश हो रहा था. आज अभी समर सीजन है लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हुआ है. अभी बोरा केव्स तक टाइल्स बहुत ज़्यादा है एंड कर्व्स तो छोड़ी दो, कितना कर्व्स हम लोगों ने ऐसे करके क्रॉस किया है पता भी नहीं. सो ऑल ओवर दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. तो आई बिलीव यू गाइज आर इन्जॉइंग माई वीडियो. इफ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है और मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा. सो यस, सी यू सून. चीपेस्ट वे अगर आप वाइजैग से अराकू आना चाहते हो देन यू हैव टू कम बाई ट्रेन. मैं आई हूँ सेकेंड सिटी, ओके. और उसका टिकट प्राइस है ओनली 45 रुपीज़. येस गाइज, ओनली 45 रुपीज़. और स्लीपर का प्राइस है समवॉट 175 की 200 के आसपास. और जो विस्टाडोम कोच है उसका है 750. लेकिन मैं वापस जाऊँगी बाई विस्टाडोम बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू नो दैट एनवायरमेंट दैट एम्बियंस की विस्टाडोम. गाड़ी से अगर आप आना चाहते हो जैसे मैंने की थी लास्ट ईयर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ लिंक, आप प्लीज़ देख लेना. दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ब्लॉग, वो भी आप बहुत मज़ा करोगे. लेकिन ये एक्सपीरियंस अलग है, वो एक्सपीरियंस अलग है और मैं दोनों को ही एक्सपीरियंस करना चाहती थी तो इसीलिए ये प्लान बनाया मैंने. तो आप लोगों को भी मतलब मैं दिखाना चाहती थी कि कैसे क्या होता है. Just on the correct time, 3:45 PM, the train has arrived at Araku. Welcome on board. This is train number 08552 KRDL VSKP PGRSP Express and this is the Vistadome coach. The total duration of the travel is 4 hours 35 minutes and we will be reaching Vizag around 8:30 PM. बहुत दिन से मेरा मतलब एक ख्वाहिश था कि चलो चलते हैं, जाके देखते हैं कि विस्टाडोम कोच में ट्रैवल करना कैसा होता है. तो सीट्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं है. लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ना, बैक का नज़ारा फ्रॉम हियर, दिस इज़ लवली यार. ये पीछे का जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो द थिंग. लेकिन विंडो ग्लासेस एंड द पेंस दैट इज़ लिटिल डर्टी, वो अगर ठीक होता तो और भी मज़ा आता. चलो नज़ारे की मज़ा लेते हैं. आपके
Okay, so let me give a reality check to my audiences about the Vistadome coach as of May 2024. जैसे रेलवेज में कहा जाता है कि Vistadome train is the epitome of luxury, comfort and panoramic views. जैसे मैंने travel किया from Araku to Vizag, my experience is very much disappointing. I never expected this coach to be like this because I was pretty excited to travel into this coach as I saw in some vlogs and in some travel logs, but it was totally the opposite thing. The window pane was as hazy as it can be. I cannot see the outside, not only me, even the other passengers as well. हर समय हम लोगों को उठ उठ के पीछे की तरफ जाना पड़ रहा था बाहर का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि विंडो पेन्स काफ़ी गंदा थे. इवन द सीट्स वर नॉट दैट कम्फर्टेबल. द इंटीरियर ऑफ द ट्रेन वॉज सो डर्टी एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल. ओनली द बेस्ट पार्ट इन दिस कोच इज टू सी द व्यू फ्रॉम द बैक ग्लास विंडो. दैट वॉज सीरियसली स्पेक्टेकुलर. लेकिन अंदर जो था इतना गंदगी और नो मेंटेनेंस, सर्विस ऑल्सो नथिंग. सो दिस इज क्वाइट यू नो डिसअपॉइंटिंग एंड आई डिडंट लाइक इट. After paying this much of ticket price money, we deserve better. So the higher authority must take care of this. दरवाजा खुल के थोड़ा इधर रुक के बाहर का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि Vistadome कोच है ही नाम का कोच. तो बस शाम का नज़ारा थोड़ा अलग है. जैसे सुबह पे था ब्राइट यू नो कलरफुल सनी डे, अभी थोड़ा शाम हो गया है तो इट्स लिटिल बिट यू नो क्लाउडी, लिटिल बिट ग्लूमी. और कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी यहाँ पे. तो इट्स मोर ऑर लेस यू नो अलगों का वेदर ऐसे ही है, क्लाइमेट चेंजेस होते रहते हैं, बट यू विल डेफिनेटली एन्जॉय द टाइम. तो बस फिलहाल इसी का ही मज़ा लेते लेते Vizag की तरफ चलते हैं. After 1 hour, that is almost 4:45 PM, we reached Bora Guhalu. और इस प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ते हैं इस ट्रेन पे. और आने के टाइम यहाँ पे शाम भी हो जाता है बहुत जल्दी. तो द व्यू विच यू सॉ इन द मॉर्निंग, इट विल नॉट बी दैट मच व्हाइल यू रिटर्न. Overall, it's a very good experience. Either I travel by sleeper or 2S, Vistadome or any 3-tier AC coaches, because train journeys are always love. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है train journey, rather I compare to bus and all. ये differ करते हैं person to person and routes to routes. But this scenic train journey is a must. Reached Vizag from Araku, and that also it got late by 15-20 minutes. I'm getting out right now from the platform. काफी tired हो गई हूँ. मिलती हूँ बहुत जल्दी. And bye bye. Lots of love.